जिसके अंदर कोई सियासी शोर हुआ होता था, मेरे सारे नौजवान अपनी पहले एकदम उसके ऊपर रिएक्ट करते थे। मैं अपनी सारी कौम के पास जा रहा हूं, अपने नौ
मछुआरा को जगाया हूं कि जब तक एक कौम हकीकी तौर पे आजाद नहीं होती उसकी परवाज ऊपर नहीं जाती, गुलाम ऊपर नहीं जा सकते। गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम बन सकते, सिर्फ आजाद इंसान इलामा इकबाल के शाहीन बन सकते हैं, सिर्फ ऊपर प्रवास कर सकते हैं। कायदे आजम एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद लीडर था, मुखालिफ भी कायदे आजम को इज्जत से देखते थे, अपने लोगों की इज्जत नहीं करती, अपने लोगों को भेड़ बकरियों की तरह रखती है, लोगों पर जुल्म करती है, लोगों को इंसान नहीं समझती, उस काम की कोई इज्जत नहीं करता। इसलिए मेरे पाकिस्तान के नौजवानों, हमने सबसे पहले अपनी काम को हकीकी तौर पर आजाद करना, हमने अपने लोगों को हकूक देने, इंसाफ देने और इंसाफ देकर लोगों को आजाद करना है, क्योंकि इंसाफ इंसानों को आजाद करता है। तो मैं सबसे पहले जो मैं नौजवानों जरा गौर से सुने कि क्यों हमें हमारे पास की इज्जत नहीं होती, क्योंकि हम अपनी इज्जत नहीं करते। और अगर आपने देखा है कि हमारी इज्जत क्यों नहीं होती, तो चेरी ब्लॉसम सुभाष शरीफ को जरा याद करवाए। जब मुल्क का सरकार ऐसी बातें करता है तो उस कौम की कौन इज्जत करेगा?
आपकी तरबियत भी करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ तैयारी करें। यहां हमने एक हकीकी आजादी की तहरीक चलानी है और उसमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमने इस मुल्क का इंसाफ का निजाम, एक इंसाफ का निजाम ठीक करना है। यहां ताकतवर जो जुल्म करता है कमजोर पर, हमने कमजोर को तहफ़ूज़ देना और आजाद करना है। तो नौजवानों, इसके लिए आपने सबने मेरे साथ में करना है, क्योंकि इस वक्त हमारी हुकूमत एक इम्पोर्टेंट हुकूमत, जिसका ये इम्पोर्टेंट वजीर आजम आपने देखा था, चेरी ब्लॉसम, उसकी सबसे बड़ी कमाल यह है कि वो जूते पर जो पॉलिश करता है और वो बूट खास तौर पे अच्छी तरह पॉलिश करता है। तो आपने इसलिए मेरे साथ करना है कि ये बारूनी साजिश के तहत चोरों के टोलों, चोरों का टोला हमारे ऊपर मुसलत किया गया। ये 3 स्टूडेंट्स जो हमारे ऊपर मुसलत किए गए, क्योंकि ये बड़ी अच्छी तरह अपने बैरूनी आकाओं के जूते पॉलिश करते हैं, इसलिए मुसलत किए गए। इमरान खान उनको इसलिए दोबारा नहीं था, क्योंकि वो कहता था एब्सोल्युटली नॉट, और वो किसी के गुलाम मानने के लिए तैयार नहीं था। और वो जो इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहता था वो अपने लोगों के लिए थी। तो अगर मैं रूस मुझे सस्ता तेल दे 40% कम कीमत पर या 30% कम कीमत पर रूस दे दे तो मैं क्यों ना लूं, क्योंकि मैं अपने लोगों को सस्ता पेट्रोल और फजूल माल बेच सकता हूं, तो क्यों ना लूं मैं। अगर साथ वाला मुल्क जो हमारे साथ आजाद हुआ था, अगर हिंदुस्तान रूस से 40% कम कीमत पे तेल खरीद सकता है, तो बताओ मुझे गुजरात हम क्यों नहीं ले सकते। और दूसरी चीज ये भी सुनो, हमारे पिछले जो मिलिट्री डिक्टेटर था उसने अमेरिका के सामने घुटने टेके और अमेरिका की जंग में शामिल हुआ, और 80,000 मेरे पाकिस्तानी उस जंग में कुर्बान हुए अमेरिका की जंग में। और जब मैं कहता हूं कि अमेरिका हम तुम्हारे साथ अमन में शामिल हैं, लेकिन किसी जंग में हम तुम्हारे साथ नहीं शामिल, मैं इन लोगों में सोचता हूं। लेकिन जो लोग इन्होंने मुसलत किए, जो ऑर्डर मिलेगा उधर से ही वो करेंगे, ना ये रूस से सस्ता देंगे तो कभी कम नाराज हो जाएगा, और ना ही मुझे खौफ है कि ये रोकेंगे कि हमारा मुल्क इस्तेमाल होगा किसी की जंग में और हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो गुजरात, पहले हाथ खड़ा करके बताओ कि क्या आप मेरे साथ इसमें शामिल हो। याद होगा आपको कि मेरी हुकूमत के खिलाफ इन्होंने सब प्रोपेगेंडा किया, और इनके साथ वो मिले हुए थे गुजरात, इनके साथ वो लिफाफा वाले सहाफी मिले हुए थे, लिफाफी मिले हुए थे, पैसे के कश्मीर बेचने वाले, और वो मीडिया हाउस जो हमेशा पैसे की बुद्ध की पूजा करता है, और आप सबको पता है वो कौन सा मीडिया हाउस है।
फिर से ऊंची ऊंची जरा माशाल्लाह शोर रखने वाली मेरी कौम है और आज हम मुबारक देते हैं ए आर वाई को और हम खास तौर पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हम सारी कौम अप्रिशिएट करती है इस्लामाबाद हाईकोर्ट को कि उन्होंने आजादी राय के ऊपर अशर शरीफ जैसा एक मोहिम में मदद पाकिस्तानी वो मुल्क से बाहर क्या हुआ सब शाकर मुल्क से बाहर है इस हुकूमत के दहशत गर्दी की वजह से रियाज अमीर जैसा दानिश्वर समी इब्राहिम उनको इन्होंने मारने की कोशिश की और इमरान रियाज जैसा इमरान रियाज जैसा बाजमीर साफी उसको जेल में डाला एआरवाई को बंद किया बोलने जब दिखाना शुरू किया उसको बंद किया तुम्हारा इस्लामाबाद हाईकोर्ट आपको एक कौम सलाम करती है बस मैं नौजवान भाई एक और भी आपसे बात करना चाहूं क्योंकि मेरा केस लगा हुआ है मैं पहले सबसे सही काम के लिए अभी मैंने आपको आपको एक दो और वीडियो बड़ी मजेदार दिखा दी है थोड़ा समझ कर लिया तो ये 26 साल पहले मैंने जब सियासत शुरू की नाम था उसका इंसाफ की तहरीक और हमने 26 साल पहले कहा कि पाकिस्तान की दुनिया आजाद होनी चाहिए आजाद होगी तो लोगों के हकूक की हिफाजत करेगी 26 साल पहले मैंने ये कहा उसके बाद जब आजाद अदलिया की तहरीक चली तो मैं वाहिद पॉलिटिकल लीडर था जिसको जनरल मुशर्रफ ने जेल में डाला आजाद अदलिया की तहरीक में और हमारी जमात वो थी 2008 का इलेक्शन हमने बॉयकॉट किया आजाद अदलिया के लिए और मैंने हमेशा अपनी अदलिया को मजबूत करने की कोशिश की और मैं हमेशा उनकी इज्जत की और ये जो नून लीग आज कह रही है अदलिया को कि इमरान खान के खिलाफ एक्शन लो नून लीग शर्म से डूब जाओ शरीफ ने टिंडोल से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था और चीफ जस्टिस सजाद अली शाह एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस को आपने ब्रीफ केस चला के रिश्वत जजेस को दे के एक ऑनरेबल चीफ जस्टिस को हटाया था कभी मेरे से ये ना कभी कहना कि इमरान खान के ऊपर कंटेंट लगाओ ये नून लीग वाले तुम तो अपना मुंह बंद करो कभी ऐसी बात ना करना जस्टिस कयूम को टेलीफोन कर रहे हैं कि जज साहब वो बेनजीर को 3 साल नहीं 5 साल की सजा दो कभी इमरान खान ने ऐसी चीजें नहीं की इंशाल्लाह हमेशा हम इस पाकिस्तान के अदलिया को मजबूत करेंगे क्योंकि जब तक आपके अदलिया मजबूत नहीं होगी आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा उससे पहले मैं बताऊ क्या जब हम इंतजार में थे तो सबसे ज्यादा बड़ी महंगाई होगी पाकिस्तान में भुट्टो पता नहीं वो सरकारी है या भुट्टो है वो बिल्लो रानी है उसमें
मार्च महंगाई मार्च की, और यहाँ के इस्लामाबाद कहता कि इमरान खान की कांपे टांगे ली। वैसे बिलावल खुदा के वास्ते 14 साल में उर्दू तो सीख लो। हर रोज हमें सुनना पड़ता था इनसे, जरा ये शबाज शरीफ को सुनाइए, इक्तदार से पहले क्या कह रहा था आईएमएफ के ऊपर, सुने जरा। ये आईएमएफ के मेंटे कमले कमले इक्तदार ऐसी शरायत हम एक्सेप्ट कर रहे हैं जिसके पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आजादी पर बहुत बड़ा खुशका लगेगा। हम खुद इस्तेमाल करने की चीजें
तो हमारे दौर में जो महंगाई थी और भी महंगाई थी, एसपीआई हमारे दौर में 17 से 18% का, आज कितना है बताओ कितना? आज 45% 3 गुना ज्यादा। 4 महीने में क्या हुआ कि 45% पर महंगाई पहुंच गई। हमारे दौर में तेल आर्मी मार्केट के अंदर $103 और $110 में था, जो भारत से हमारे ऊपर इंपोर्टेड हुकूमत जो लेके आए थे, ये इसलिए नहीं आए थे महंगाई कम करने के लिए, ये आए थे अपने करप्शन के केस खत्म करने के लिए, आए थे ये अपने करप्शन के केसेस वो खत्म करवाने आए थे। पहले जनरल मुशर्रफ ने इनके केसेस खत्म किए, एनआरओ दिया 2008 में, तब इन्होंने अरबों रुपए की चोरी की थी शरीफ और सरदारी खानदान ने, उसे केस माफ किए जबकि वो कर नहीं सकता था क्योंकि पैसा तो आपका था। गुजरात फिर से समझ जाओ चोरी और करप्शन में क्या फर्क है। चोरी होती है जो आपके घर में कोई आके चोरी करे, मेरी कोई घड़ी चोरी कर ले, मेरे घर से पैसे लूट ले, इसको चोरी कहते हैं। करप्शन होती है जब कौम का पैसा चोरी होता है, जो पैसा आपके स्कूलों पे, अस्पतालों पे, सड़कों पे, गुर्बत कम करने पे, सब्सिडी देने पे, जो पैसा आपके ऊपर लगना होता है वो इनकी जेबों में चला जाता है, वो मुल्क को नुकसान पहुंचाता है। और जब मुल्क के सर पे प्राइम मिनिस्टर वजीर चोरी करते हैं, मुल्तना हो जाता है। गुजरात हमारी जंग इंसाफ की, जब इंसाफ रहेगा चोरी खत्म होगी, करप्शन खत्म होगी। और इसलिए हमने सबने मिलकर इस इंपॉर्टेंट हुकूमत के साथ तैयारी करनी है, तैयारी चला रही है, और जब मैं कहूँ आप सामने निकलना है। ये जो आप हर में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो आप जुट कर रहे हैं, ये जो आपने शबाज के ऊपर तशद किया जेल में, उसको डाल के उसको नंगा करके जो उसके ऊपर आपने तशद्दुद किया, मैं आज आपको खबरदार करना चाहता हूं कि जिस तरह आपने जमील फरूकी एक सहाफी को उसको जेल में बंद करके उसको भी नंगा किया, तशद्दुद किया, और खास तौर पे हमारे सिंध के अपोजिशन लीडर हरी मादन शेख, उसको एक केस से निकलता दूसरे में डाल देते। 27 FIR सिंध के ऑपोजिशन लीडर के ऊपर की हुई है, उसको जेल पे उसमें तशद्दुद किया। तो मैं इसके अलावा जो आपने साथियों से किया, मैं आज आपको वाज़े तरीके से खबरदार करना चाहता हूं कि हमारा जो इंसाफ का, जो हमारे इंसाफ की जो तहरीक है, अगर इसी तरह आप करते रहे वो इस्लामाबाद की तरफ आएगी और आप सबको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। दफा लगा दी जो मर्जी आ गए, ये मैच का वो वक्त आ गया। 20 साल क्रिकेट की ग्राउंड में मुकाबला करने के बाद ये मेरा तजर्बा कि आज जो हमारा मुकाबला है चोरों से, वो मैच का वो वक्त आ